ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक हिसाब किताब पार्ट 5। टॉपिक राज्य अधिकारी या तो राज्यधारी। राज्य कारोबार सिखलाने वाले शिक्षक जो होते हैं उसको राज्यधारी कहते हैं, परंतु राज्य अधिकारी नहीं। या तो राज्यधारी बनेंगे या फिर राज्य अधिकारी, लेकिन अधिकारी वह बनेंगे जो अभी से अपने स्वभाव, संस्कार और संकल्प के अधीन नहीं बनेंगे। जो अभी भी अपने संकल्प के अधीन होता है तो क्या वह अधिकारी हुआ? वह संकल्पों के भी अधीन हुआ ना, तो इसलिए अब संकल्पों के भी अधीन नहीं, स्वभाव और संस्कार के भी अधीन नहीं होना है। जो अब से इन सब के अधिकारी बनेंगे वह ही वहाँ राज्य अधिकारी बनेंगे। अब हिसाब निकालो कि कितना अधीन रहते हैं और कितना अधिकारी रहते हैं, फिर उसकी रिजल्ट से स्वयं भी अपने भविष्य का साक्षात्कार कर सकते हो, अर्थात अपने आप को परखने के आईने में अपने वर्तमान और भविष्य 21 जन्मों के लिए हमारे फ्यूचर्स के फीचर्स क्या होंगे वह भी देख सकते हो। अव्यक्तवाणी 23 सितंबर 73। टॉपिक महादानी और वरदानी। जैसे भक्ति मार्ग में भी दान की हुई वस्तु अपने प्रति नहीं लगाते हैं, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी हिसाब किताब है। स्वयं की कमजोरी प्रति व स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति वस्तु लगाना, यह जैसे कि अमानत में खयानत हो जाती है। ऐसा महीन पुरुषार्थ महारथी की निशानी है। महारथियों को तो अब अपना सब कुछ विश्व के कल्याण में लगाना है, तब तो महादानी और वरदानी कहा जावेगा। महारथी की स्टेज का प्रभाव ऐसा रहेगा जैसे कि लाइट हाउस का प्रभाव दूर से ही नज़र आता है और वह चारों तरफ फैलती है, लेकिन कार्य व्यवहार में जो भी अनुभवी होते हैं तो उसका भी प्रभाव उनकी सूरत और सीरत से पता पड़ता है। अब महारथियों और महावीरों का ऐसा प्रभाव पड़ना चाहिए, सूरत से ही अक्ल का अनुभव होगा। अब इन निशानियों से ही समझो कि हमारा नंबर कहाँ पर होगा। अच्छा, अव्यक्तवाणी 6 फरवरी 74। टॉपिक सत्य वचन महाराज। बाप दादा के पास हर एक बच्चे की हर घड़ी की तीनों रूपों में, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा से की हुई प्रैक्टिकल नोंद इमर्ज होती है, जिससे रिजल्ट क्या दिखाई देती है। अब तक 75% बच्चों की आधी रिजल्ट व्यर्थ बोल व साधारण बोल में दिखाई देती है। इस हिसाब से अगर अभी से ही सत्य वचन महाराज हो जावे तो कई आत्माओं के पुरुषार्थ को हल्का करने के व पुरुषार्थ को साधारण बनाने के निमित्त बन जाओ। इसलिए अब यह वरदान ड्रामा अनुसार सबको प्राप्त नहीं है। बहुत थोड़ी आत्माएं हैं, उनको भी बहुत थोड़ा सा, अर्थात 25% ऐसा श्रेष्ठ वरदान प्राप्त होना प्रारंभ हुआ है। इसलिए अपनी जिम्मेवारी समझ व महत्व समझ हर बोल पर इतना अटेंशन रखो। आप लोग साधारण रीति से बोलेंगे, लेकिन आप महान आत्माओं के बोल सत्य होने के कारण कई आत्माओं का अकल्याण हो जाता है। इसलिए
भक्ति में भी वरदान के साथ साथ आपका भी गायन है। आप देते नहीं हैं, लेकिन ऐसी व्यर्थ चलन व व्यर्थ बोल अकल्याण के निमित्त ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। अव्यक्त वाणी 27 मई 74। टॉपिक जन्म पत्री के मुख्य चार बातें। आज ज्ञान सूर्य बाप हर सितारे के मस्तक पर तकदीर की लकीर देख रहे हैं। लौकिक रीति में भी भक्तों द्वारा हस्तों से जो जन्म पत्री देखी जाती है उनमें मुख्यतः चार बातें देखते हैं। यहाँ हस्तों द्वारा तो नहीं, लेकिन मस्तक द्वारा मुख्य चार बातें देख रहे हैं। पहला, एक बात यह कि बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर है और विशाल है। दूसरा, हर समय ज्ञान धन को धारण करने में तन के कर्म भोग से निर्विघ्न और मन से एकरस लगन लगाने में मरजीवा जन्म से लेकर अभी तक कहाँ तक निर्विघ्न चलते आ रहे हैं। तीसरी बात, इस शेष ब्राह्मण जन्म की स्मृति की आयु लंबी है या छोटी है। बार बार स्मृति अर्थात जीना, विस्मृति अर्थात मरने की हालत में पहुंच जाना, इसी हिसाब से आयु छोटी अथवा बड़ी गिनी जाती है। चौथा, मरजीवा जन्म लेते हो, स्नेह संबंध संपर्क और सर्व शक्तियों में कहाँ तक तकदीरवान रहे हैं। क्या तकदीर की रेखा प्रतिशत के हिसाब से अटूट रही है और साथ साथ पढ़ाई में व कमाई जमा करने में सदा सफलता मूर्त, रेगुलर और पंक्चुअल कहाँ तक रहे हैं। कितनी आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी कल्याणकारी बने हैं, अर्थात दान पुण्य की रेखा लंबी है या छोटी। इन सब बातों से हर एक सितारे के वर्तमान और भविष्य को देख रहे हैं। अव्यक्त वाणी 26 जून 74। टॉपिक एक एक मर्यादा की प्राप्ति के मार्क्स हैं। अपने अनेक प्रकार के बोझ को चेक करो। अमृत वेले से लेकर जो ईश्वरीय मर्यादाएं बनी हुई हैं और जानते भी हो कि सारे दिन में कितनी मर्यादाएं उल्लंघन की हैं। एक एक मर्यादा के ऊपर प्राप्ति के मार्क्स भी हैं और साथ साथ सिर पर बोझ का भी हिसाब है। और जिन मर्यादाओं को साधारण समझते हो उन्होंने भी उनकी प्राप्ति और उनके बोझ का हिसाब है। संकल्प बोल समय और शक्तियों का खजाना, इस सब को व्यर्थ करने से व्यर्थ का बोझ चढ़ता है। जैसे यज्ञ की स्थूल वस्तु भोजन व अन्न अगर व्यर्थ गवाते हो तो बोझ चढ़ता है ना, ऐसे ही जब यह मरजीवा जीवन का समय बाप ने विश्व की सेवा अर्थ दिया है तो सर्वशक्तियाँ स्वयं के व विश्व के कल्याण अर्थ दी है। मन शुद्ध संकल्प करने के लिए दिया है और यह तन विश्व कल्याण की सेवा के लिए दिया है। अव्यक्त वाणी 4 जुलाई 74। टॉपिक तीन बातें सुनाई। जैसे लौकिक रीति में भी कोई कार्य में बुद्धि बिजी रहती है तो दूसरे संकल्प व दूसरी बातें नहीं आती हैं, क्योंकि बुद्धि बिजी है। आप लोगों को भी जिम्मेवारी व बाप द्वारा जो कार्य मिला है वह कितना बड़ा है और अब तक भी कार्य कितना रहा हुआ है। अभी विश्व की टोटल आत्माओं के हिसाब से 5 पांडव निकले हो,
इतना रहा हुआ कार्य और साथ साथ अपने विकर्मों को भस्म करने का कार्य है। कितने जन्मों के बोझ को भस्म करना है, 63 जन्मों के पाप कर्मों के खाते को भस्म करना है, साथ साथ ज्ञान के खजाने को सुमिरन करते रहो तो क्या समय बच सकता है या कम पड़ेगा। 3 बातें सुनाई, 1 तो ज्ञान खजाने के सुमिरन करने का कार्य, 2 विकर्म भस्म करने का कार्य, 3 विश्व के कल्याण का कार्य। ये तीनों ही विशेष और बेहद के कार्य हैं। अव्यक्त वाणी 11 जुलाई 74। टॉपिक, जो बाप की रचना सो आपकी रचना। शक्तियों के भक्त और बाप के भक्त अलग अलग हैं। आपके भक्त कौन बनेंगे, किस हिसाब से आपके भक्त बनेंगे, जिन आत्माओं को, जिन श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा व निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति का अनुभव होता है, उन द्वारा कोई साक्षात्कार होता है और या कोई वरदान प्राप्ति का अनुभव होता है, तो उस आधार पर वह उनकी प्रजा और भक्त बनते हैं। जो समीप आत्माएं होती हैं, जिन आत्माओं का बाप से संबंध भी जुट जाता है और साथ साथ बाप द्वारा वर्षे के अधिकारी भी बनते हैं, वे रॉयल फैमिली में आते हैं। एक ही समय में हर एक आत्मा अपनी रॉयल फैमिली बना रही है, अर्थात वह भविष्य संबंध व राजघराना भी बना रही है, प्रजा भी बना रही है और भक्त भी बना रही है। अव्यक्त वाणी 14 जुलाई 74। टॉपिक, लाइट स्वरूप के स्मृति को मजबूत करो। शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी जैसे कि अशरीरी बन जाएंगे तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम कर लिया। ऐसा समय आवेगा जो कि नींद के बजाय 4-5 मिनट अशरीरी बन जाएंगे, जैसे कि नींद से शरीर को खुराक मिल जाती है, वैसे ही यह भी खुराक मिल जाएगी। शरीर तो पुराने ही रहेंगे, हिसाब किताब पुराना तो होगा ही, सिर्फ उसमें यह एडिशन होगी। लाइट स्वरूप के स्मृति को मजबूत करने से हिसाब किताब चुकतू करने में भी लाइट रूप वो चावेंगे। जैसे इंजेक्शन लगाने से 5 मिनट में ही फर्क पड़ जाता है, वैसे ही नींद की गोली लेने से भी परेशानी समाप्त हो जाती है। आप भी ऐसे ही समझो कि यह हम नींद की खुराक लेते हैं, ऐसी स्टेज लाने के लिए ही यह अभ्यास है। अव्यक्त वाणी 15 सितंबर 74। टॉपिक, सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। दिन प्रतिदिन आपके पास जो आत्माएं आएंगी वह अति निर्बल स्टेज वाली ही आएंगी। जैसे पहले ग्रुप में आप लोग निकले तो पहले ग्रुप की शक्ति हिम्मत और दूसरे ग्रुप की शक्ति हिम्मत और तीसरे ग्रुप की शक्ति और हिम्मत में अंतर दिखाई देता है ना, ऐसे ही फिर नई नई आत्माएं जो अब निकल रहे हैं उनकी शक्ति और हिम्मत में भी अंतर दिखाई देता है। तन से भी और मन से भी हर ग्रुप में अंतर दिखाई देता जाता है, यह तो सबका अनुभव है ना। हिसाब से सोचो कि अब जो लास्ट की आत्माएं आएंगी वह क्या होंगी, अति निर्बल होंगी ना। तो ऐसी निर्बल आत्माओं को सिर्फ ज्ञान दे दिया, उन्हें कोर्स करा दिया व योग में बैठा दिया,
वे इससे आगे नहीं बढ़ेंगी। अब तो निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपनी प्राप्त की हुई शक्तियों के आधार से ही निर्बल आत्माओं को सहयोग देते हुए आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए अभी से ही अपने में सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। अव्यक्त वाणी 13 सितंबर 74। टॉपिक, निरंतर योगी कौन? जो फॉरेन में सर्विस पर गए हैं, वह कोई दूर है क्या? वे आँखों के सामने भी नहीं है, लेकिन आँखों में जो समाया हुआ होता है वह कभी दूर नहीं होता। वह तो सबसे समीप हुआ ना। आप आँखों के सामने रहती हो या आँखों में समाई हुई हो, जो समाये हुए हैं वह है निरंतर योगी। विदेश में रहने वाले बच्चे फिर भी नज़दीक आ जाते हैं, और जो नज़दीक है, देश के हिसाब से रहने वाले 4 वर्ष में एक बार भी नहीं आते, तो नज़दीक कौन हुए? यह सारा सूक्ष्म कनेक्शन है। टॉपिक, सहयोग दिया तो सहयोग लेने का अधिकारी बना। कोई भी बात में अगर एक बार समय पर बिना कोई संकल्प के आज्ञा समझकर जो सहयोगी बन जाते हैं, ऐसे समय के सहयोगियों को बाप दादा भी अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। एक बार का सहयोग देने का अंत तक सहयोग लेने का अधिकारी बनाता है। एक का 100 गुना मिलने से मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा होती है, चाहे मन से, चाहे तन से अथवा धन से। लेकिन समय पर सहयोग दिया तो बाप दादा अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है, जिसको दूसरे शब्दों में भक्त लोग अंधश्रद्धा कहते हैं। ऐसा अगर कोई एक बार भी जीवन में बाप दादा के कार्य में सहयोग दिया है, तो अंत तक बाप दादा सहयोगी रहेगा। यह भी एक हिसाब किताब है। समझा? अच्छा। अव्यक्त वाणी 24 दिसंबर 74। टॉपिक, दास बनने की निशानी होगी उदासी। जैसे स्टूडेंट हर वर्ष की टोटल रिजल्ट देखते हैं कि हर सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज रहा, वैसे ही अपना रिजल्ट देखना है कि किस बात में चढ़ती कला हुई, किस पुरुषार्थ के आधार से चढ़ती कला हुई, वह किस सब्जेक्ट में कमी रही, वह पूरा हिसाब निकालो। मुबारक भी बाप दादा सदैव देते हैं, क्योंकि सृष्टि का बड़ा दिन तो यही है ना। प्रकृति दासी होती है, परंतु दासी के कभी दास ना बनना, और दास बनने की निशानी होगी उदासी। किसी न किसी संस्कार व स्वभाव के दास बनते हो, तब उदास होते हो। अच्छा। अव्यक्त वाणी 1 फरवरी 75। टॉपिक, रेस्ट नहीं, यह भी भिन्न प्रकार की सेवा है। जैसे वाणी द्वारा सर्विस करते हैं, जितना एक भाषण का रिजल्ट होता है उससे 1000 गुणा ज्यादा इस प्रैक्टिकल अनुभव की सर्विस का रिजल्ट निकलता है। ऐसे समझकर साक्षी पल से हिसाब किताब चुकतू करे तो सर्विस बहुत है। जो है ही सर्विसेबल, उनका शारीरिक रोग निमित्त कारण बन हिसाब चुकतू होता है, लेकिन उसमें भी सेवा भरी हुई है। यह कोई रेस्ट नहीं है, बल्कि यह भी भिन्न प्रकार की सेवा का चांस है। ऐसे समझकर सेवा में बिजी रहे तो डबल फल मिल जाएगा, मुक्ति भी और सेवा भी। अच्छा। अव्यक्त वाणी
2 फरवरी 75। टॉपिक विशेष समय निकाल हिसाब किताब देखो। स्थूल धन का नशा और खुशी चेहरे पर चमकती हुई दिखाई देती है, लेकिन होती वह अल्पकाल की ही है, परंतु ज्ञान जात्रक के चेहरे पर खुशी की झलक सदा स्पष्ट दिखाई देती है। अपने दर्पण में तीसरे नेत्र द्वारा अपनी ऐसी झलक को हर समय देखते हो, हर सेकंड के जमा का हिसाब चेक करते हो, प्लस कितना होता है और माइनस कितना होता है, ऐसा अपना स्पष्ट हिसाब रखने के अभ्यासी बने हो, विशेष समय निकालकर हिसाब किताब देखते हो, अभी अभी कमाई अभी अभी गवाई, यह उतार चढ़ाव अगर ज्यादा होगा तो सोचने देखने और करने का विशेष समय निकालना होगा। अगर एकरस कमाई है, जमा ही होता जाता है, बार बार नुकसान की कोई बात नहीं है, अर्थात खाता क्लियर है, तो जिस समय भी चाहे एक सेकंड में हिसाब निकाल सकते हैं। क्या रिजल्ट देखते हो? अभी तो अनेक आत्माओं के अनेक जन्मों के बने हुए खाते, जिसको पाप कर्मों का खाता कहा जाता है, उसको भस्म कराने वाले हैं। वे स्वयं अपना ऐसा खाता बना नहीं सकते, यह तो पुराने खाते हैं। आप तो पुराने खाते समाप्त कर नया जन्म नए खाते बनाने वाले हो। टॉपिक सब हिसाब चेक करो और समाप्त करो। जैसे शारीरिक रोग व कर्ज बुद्धि को एकाग्रचित नहीं करने देता, ना चाहते हुए भी अपनी तरफ बार बार खींच लेता है, ऐसे ही यह मानसिक कर्ज का मर्ज बुद्धि योग को एकाग्र नहीं करने देता, बल्कि विघ्न रूप बन जाता है। अभी तो समय के समाप्ति की समीपता है, तो अपने भी सब हिसाब चेक करो और समाप्त करो। हिसाब किताब आता है ना, मास्टर नॉलेजफुल हो ना। अव्यक्त वाणी 4 फरवरी 75। टॉपिक रॉयल्टी वाले की निशानी। रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं के बोल महावाक्य होते हैं। ये वाक्य गोल्डन वर्शल्स होते हैं, जिन्हें सुनने वाले भी गोल्डन एज के अधिकारी बन जाते हैं। एक एक बोल रत्न के समान वैल्यूएबल होता है। वे दुख देने वाले, गिराने वाले या पत्थर के समान बोल नहीं होते, साधारण और व्यर्थ भी नहीं होते, समर्थ और स्नेह के बोल होते हैं। सारे दिन के उच्चारण किए हुए बोल ऐसे श्रेष्ठ होते हैं कि हिसाब निकालने पर स्मृति में आ सकते हैं कि आज ऐसे और इतने बोल बोले। रॉयल्टी वाले की निशानी व विशेषता यह है कि 50 बोल बोलने वाले विस्तार के बजाय 10 बोल के सार में बोले, क्वांटिटी को कम कर क्वालिटी में लाए। अव्यक्त वाणी 5 फरवरी 75। टॉपिक विश्व कल्याण की जिम्मेवारी उठानी है। वर्तमान समय तक की रिजल्ट क्या देखने में आती है उसको जानते हो? पांडव तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में है या शक्तियाँ? मेजॉरिटी तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में कौन है? सभी पांडव मेजॉरिटी शक्तियों को वोट देते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के हिसाब से पांडव भी शक्ति रूप है, सर्वशक्तिवान की सब शक्ति है। बाप दादा तो पांडवों की तरफ लेते हैं। अगर पांडवों को आगे नहीं करेंगे तो शक्तियों के आगे शिकार कैसे लाएंगे?
इसलिए पांडवों को विशेष ब्रह्मा बाप की हमजेंस के नाते पुरुषार्थ में फॉलो फादर करना चाहिए। पांडव लौकिक जिम्मेवारी उठाने में भी आगे रहते हैं। सिर्फ लौकिक जिम्मेवारी के बजाय बेहद विश्व कल्याण की जिम्मेवारी उठानी है। कमाई करने की लगन जैसे हद की जानते हो, वैसे बेहद की कमाई की लगन में मगन हो जाओ। अव्यक्तवाणी 1 सितंबर 75। टॉपिक, बाप समान दाता और वरदाता। श्रेष्ठ तकदीर बनाने वालों की निशानी क्या होगी जानते हो? ऐसा तकदीरवान हर संकल्प में, हर बोल में, कर्म में फॉलो फादर करता होगा। संकल्प भी बाप समान विश्व कल्याण की सेवा अर्थ होगा। हर बोल में नम्रता, निर्माणता और उतनी ही महानता होगी। स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिकपन, दूसरी तरफ विश्व की सेवाधारी आत्मा होगी। एक तरफ अधिकारीपन का नशा, दूसरी तरफ सर्व के प्रति सत्कारी, हर आत्मा के प्रति बाप समान दाता और वरदाता। चाहे दुश्मन हो, किसी भी जन्म के हिसाब किताब चुकतू करने के निमित्त बने हुए आत्मा हो, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति से गिराने के निमित्त बने हुई आत्मा को भी, संस्कारों के टक्कर खाने वाली आत्मा को भी, घृणन वृत्ति रखने वाली आत्मा को भी, सर्व आत्माओं के प्रति दाता व वरदाता। ठुकराने वाली आत्मा भी कल्याणकारी आत्मा अनुभव हो, ग्लाने के बोल व निंदा के बोल भी महिमा व गायन योग्य अनुभव हो, तथा ग्लानी गायन अनुभव हो। जैसे द्वापर पे आप सबने बाप की ग्लानी की, लेकिन बाप ने ग्लानी भी गायन समझकर स्वीकार की और ग्लानी के रिटर्न में भक्ति का फल ज्ञान दिया, ना कि घृणा और ही रहमदिल बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले ही श्रेष्ठ तकदीरवान बनते हैं। अव्यक्तवाणी 9 सितंबर 75। टॉपिक, संपूर्ण निभाना। कोई एक संबंध में भी अगर निभाने में कमी हो गई या संबंध में जरा सी भी कमी हुई, मानो 75% संबंध बाप से है और 25% संबंध कोई एक आत्मा से है, तो भी निभाने वाले की लिस्ट में नहीं रखेंगे। बाप का साथ 75% रखते हैं और कभी कभी 25% कोई का साथ लिया तो भी निभाने वाले की लिस्ट में नहीं आएंगे। निभाना तो निभाना, यह भी गुह्य गति है। संकल्प में भी कोई आत्मा ना आए, इसको कहते हैं संपूर्ण निभाना। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, तन की या संपर्क की, कोई भी आत्मा संकल्प में ना आए। संकल्प में भी कोई आत्मा की स्मृति आई तो उसी सेकंड का भी हिसाब बनता है, तभी तो 8 पास होते हैं। अव्यक्तवाणी 21 सितंबर 75। ओम शांति।